नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक टीम को कथित तौर पर त्रिपुरा में नजरबंद करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये टीम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से जुड़े ग्राउंड वर्क करने के लिए बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा पहुंची थी। आईपैक से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर है कि त्रिपुरा पुलिस ने उन्हें उस होटल में बंद कर दिया है जहां वो ठहरे थे। आईपैक के सूत्रों ने बताया कि पुलिस सुबह से ही होटल की लॉबी में डेरा डाले हुए है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के लिए जमीनी हकीकत का पता लगाने आईपैक के कर्मचारियों का दल अगरतला पहुंचा था। अगरतला पहुंचे आईपैक के कर्मचारियों के दल में शामिल सदस्यों के होटल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। त्रिपुरा प्रशासन ने आईपैक के कर्मचारियों के होटल से बाहर निकलने पर रोक लगाई है। ये सभी सदस्य पिछले कई दिनों से त्रिपुरा में टीएमसी के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। आईपैक के कर्मचारी अगरतला के होटल वुडलैंड में रुके हुए हैं। आईपैक के कर्मचारियों के होटल से बाहर निकलने पर रोक कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने की वजह से लगाई गई है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने की वजह से कर्मचारियों के होटल से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के बीच पिछले दिनों मैराथन बैठकें हुई थी, जिसमें टीएमसी की राष्ट्रीय राजनीति का खाका खींचा गया था। टीएमसी ने भी साफ किया है कि अब उसका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय राजनीति और 2024 के लोकसभा चुनाव है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।